गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आज डे 94 है मेरी नो फैप जर्नी का, ब्रह्मचर्य जीवन का। तो गाइस, तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम नो फैप में हो तो ये ध्यान में रख लो यार, तुम्हारी फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। डे 94 में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर मुझे आज भी थोड़ा डर लग रहा है, अपने ज़िंदगी में फ़ेल होने का डर लग रहा है। मेरी फ़िज़िकल बॉडी तो बहुत अच्छी हो चुकी है, एक्चुअली फेस पे ग्लो आ चुका है, स्किन अच्छी हो चुकी है, ब्लैक हेड्स चले गए हैं, डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं है, एक्ने प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स ग्रो हो गई हैं, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हेयर थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन जैसे झड़ते थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब फ़ायदे हुए हैं। जैसे मेरी बैक मतलब पहले जितनी दर्द होती थी ना फैपिंग के बाद, थाइस में पेन होता था, वो सब चला गया है। एक्चुअली डाइजेशन बहुत अच्छा हो चुका है, विदाउट एक्सरसाइज भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज तो है ही नहीं कोई। पर एज़ कम्पेयर टू माइंड, तो देखो यार, माइंड में थोड़ी सी दिक्कत है अभी, डिप्रेशन मुझे बहुत हो रहा है, एंग्जाइटी बहुत हो रही है। एक तो मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं फाइनल ईयर के, और पढ़ाई कुछ ज़्यादा करी नहीं है, और पिछले साल भी जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे काफ़ी डिप्रेशन अभी आ रहा है वो।